जसपा पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष ब्रिजेश अटोहा ने शनिवार को विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुखराम डागर भी मौजूद रहे। जसपा के युवा जिलाध्यक्ष ब्रिजेश अटोहा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि प्रदेश के बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन सरकार ने आज तक बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर उक्त मांगों पर संज्ञान नहीं लिया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। 29 तारीख को मुख्यमंत्री हरियाणा पलवल आए थे, जिसके लिए हमें उन्हें ज्ञापन देना था। ज्ञापन में हमारी जो मुख्य मांगे थी, मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए बोला था, जो उन्होंने आज तक युवाओं को बेरोजगार भत्ता नहीं दिया। दूसरा था, मुख्यमंत्री जी ने जिन मैट्रिक, जो आज से 3 से 4 साल पहले जो मैट्रिक वेस पर जो फॉर्म भरे गए थे कैनाल पटवारी के और ग्राम सचिव के, वो अब बीए वेस पर कर दिए हैं। तो हमारी मांग थी जिन बच्चों के फॉर्म भरे गए हैं उन्हें 10वीं वेस पर ही उनके फॉर्म अवेलेबल किए जाएं। तीसरी हमारी मांग थी मुख्यमंत्री जी, राज्यों में जो निजी कंपनी है उनमें हमारे हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार दिया जाए। आपने वादा किया था कि सरकार बनने पर हम छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, और हमारी पार्टी की मुख्य मांग थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो इनसो के दिग्विजय सिंह चौटाला, उन्होंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में 3 दिन आवरण अनशन भी किया था और सरकार को झुकाने का काम किया था, पर सरकार ने उसमें भी अपनी चाल चलकर छात्र संघ सीधे ना कराकर इनडायरेक्ट उन्होंने छात्र संघ चुनाव करे। हमारी यह भी मुख्य मांग है कि छात्र संघ के चुनाव सीधे करवाए जाएं, प्रत्यक्ष रूप से करवाए जाएं। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।